ओके गाइस, सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल पे मिल जाए। Cause things change but the memories don't. You only need the light when it's running low. Only miss the sun when it starts to snow. हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोरल ड्रा पे किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्चर को इंपोर्ट करना है। इसके दो ऑप्शन होते हैं किसी भी पिक्चर को कोरल ड्रा में अपलोड करने का, मतलब कोरल ड्रा में लेने के लिए। या तो हम ड्रैग पिक्चर को सिलेक्ट करके इसमें शेयर कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, या फिर आपको फाइल में जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा और पिक्चर जो भी आपके जिस भी फोल्डर में है वहाँ पर पिक्चर को क्लिक करना पड़ेगा और ये जो नीचे लिखा हुआ है इम्पोर्ट, इस पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आप हल्का सा क्लिक करके इसको खींच दीजिए, पिक्चर अपलोड हो जाएगी। तो एक मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो ये बैकग्राउंड है ये मैं कैसे हटा सकता हूँ। मतलब अगर आपको कोई पिक्चर में बैकग्राउंड हटाना है तो आप कैसे हटा सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान है, आपको बस क्या करना है, देखिए जैसे मैं पिक्चर को पिक टूल लिया और मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एडिट बिटमैप से लिखा आ रहा है और मैंने बाहर क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ और ही लिखा रहा है। मतलब आपको पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एडिट बिटमैप्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एडिट बिटमैप्स पे, उसके बाद एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको दो क्रॉस के निशान आ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आपको कुछ भी नहीं करना, ये ऊपर जो इमेज लिखा आ रहा है ना, उसके बाद कटआउट लेफ्ट पे आपको क्लिक करना है। मतलब आपको एडिट बिटमैप्स के बाद जो फाइल खुलेगी उसमें आपको वहाँ पर क्लिक करना है कटआउट इमेज पे, उसके बाद कटआउट पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कलर जो है सिलेक्ट करना है कि आप किस कलर से इसको जो है ट्रेस करना चाहते हैं, और ऊपर जो साइज़ दिया हुआ है, जो आप ये गोला जैसा देख रहे हैं ये आपका ब्रश है। इस ब्रश को आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं कि कितना छोटा करना है कितना बड़ा करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि आप जूम करके करते हो तो आपको ये छोटा लेना पड़ेगा ब्रश, अगर आप विदाउट जूम कर सकते हो तो आपको ब्रश थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा ताकि दिखाई दे। तो अब आप क्या करेंगे, ब्रश का साइज आपको सेट करना है, उसके बाद उसके नीचे दो कलर दिए हैं ग्रीन ग्रीन के, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं जिससे भी आप ट्रेस करना चाहें। तो मैंने ग्रीन ही चूज़ कर रखा है, तो यहाँ से मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ, मतलब इसको आउटलाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए आउटलाइन ड्रॉ करते वक्त आपको क्या देखना है कि जो आपके ब्रश का साइज है वो आधा तो आपके बॉडी पार्ट पे हो, जो भी पिक्चर आपको जिसका बैकग्राउंड हटाना है, और आधा जो है वो बैकग्राउंड पे हो। मतलब आधा तो आपके सब्जेक्ट पे हो ब्रश का साइज और आधा बैकग्राउंड पे हो। इससे क्या होगा, इससे ट्रेसिंग करने में आसानी रहेगी। जो पिक्चर जो कटेगी ना, जब आपका बैकग्राउंड रिमूव होगा तो आपकी पिक्चर फटी हुई नहीं लगेगी, क्योंकि आपने आधा पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है और आधा बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया हुआ। तो इस तरीके से आपको जो है बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे इसको ट्रेस करेंगे आपको थोड़ा, मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से समझाना चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं। आप वीडियो अगर देखेंगे, किसी किसी को लगता है कि अगर ज़्यादा फास्ट वीडियो बन जाती है तो वो कहते हैं यार बीच का तो समझ ही नहीं आया, तो इसलिए मैं वीडियो बिल्कुल ही जैसा नॉर्मल है वैसे ही बना रखा हूँ। मैंने ट्राई किया था कि मैं थोड़ा इसको स्पीड में ट्रेस करूँ, लेकिन स्पीड में करने से इससे ज़्यादा स्पीड नहीं थी मेरी, क्योंकि ख़राब होने का चांसेस थे, फिर वीडियो का टाइम बर्बाद हो जाता। तो देखिए बिल्कुल आधा जो है सब्जेक्ट के ऊपर है और आधा इसके कपड़ों के ऊपर, आधा बैकग्राउंड के ऊपर। और इसके बाद देखिए मैंने आउटलाइन सारा ट्रेस कर लिया है, अब नीचे जो है मेरे को इसको पूरा, इसको जो है स्क्वायर कलर जैसे नीचे पूरा इस आउटलाइन को जोड़ना पड़ेगा, मेरे को ग्रीन से ग्रीन को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए अब इसके पैरों से लेके मुझे दूसरे पैरों तक जाना पड़ेगा, अब ये पूरा जो है सिलेक्ट हो रहा है, अब ये जो है कनेक्ट हो गया। देखिए पूरा आउटलाइन जो भी था सिलेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे ये जो फिल का ऑप्शन है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अब देखिए जो जिस कलर से आपने आउटलाइन ड्रॉ किया उसी कलर को आपको फिल में भी डालना है, और यहाँ पे कटआउट पे क्लिक है, ओके, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू लेना है, एक प्रीव्यू लेने के बाद, प्रीव्यू लेने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका पिक्चर जो है वो कैसा है। उसके बाद आप देखिए, अगर आपको लगता है कि प्रीव्यू लेने के बाद ये पिक्चर सही है तो आप सिंपली ओके करके इसको कर सकते हैं। देखिए हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो गया और ये बिल्कुल स्मूथ हुआ है, क्योंकि हमने आधा पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ था और आधा जो है बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया हुआ था। तो ब्रश के साइज में आपको यही ध्यान रखना है कि आधा पिक्चर सिलेक्ट हो और आधा ब्रश सिलेक्ट हो। अब आप ये हमारा आ गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को जो है क्रॉस कर देना है पेंट, कोरल पेंट को। देखिए मैं एक्स के निशान पर जाकर इसको काट देता हूँ, तो ये दोनों फाइल डिलीट होगी और हमारी पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो के आ चुकी है।
अब देखिए मैं आपको ओरिजिनल इमेज दिखाता हूँ, ओरिजिनल इमेज में कैसा था। ओरिजिनल इमेज मैंने ये ओरिजिनल इमेज है, आपको लग रहा होगा कि कोई फ़र्क नहीं है, कहीं से भी कुछ फटा नहीं है। तो इसको तो गाइज इस तरीके से ये जो है आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और इसमें एक ऑप्शन मैं आपको बताना भूल गया, जैसे जो ब्रश के साइड में था एक था डिटेल, मतलब अगर आपकी पिक्चर फट जाती है तो आपको एक डिटेल का ऑप्शन भी मिलेगा वहाँ पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद बता दूंगा अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो। जो आपने ब्रश का साइज सिलेक्ट किया था उसी के बगल में एक डिटेल का ऑप्शन भी था, उसको अगर जैसे कहीं से आपकी पिक्चर फट जाती है या कोई पार्ट अच्छे से ड्रॉ नहीं होता तो आप डिटेल के ऑप्शन में जाकर उसको डिटेल कर सकते हैं। ये मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो गाइज़ देखिए इसका बैकग्राउंड जो था ये इस तरीके था। अब मैं क्या करूँगा, ये बैकग्राउंड जो है ऊपर आ गया है तो हमारी जो पिक्चर थी वो थोड़ी सी ब्लैक सी हो गई है। तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर कलर के बॉक्स जो मैंने बनाया है इसको मैं सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन का एक कीबोर्ड में ऑप्शन होता है उसको दबा देंगे तो ये जो हमारी शर्ट के ऊपर जो ये आया हुआ है ना शेडिंग सा, वो बैक चला जाएगा, मतलब ये बॉक्स जो है वो पीछे चला जाएगा और पिक्चर जो है हमारी इसको ऊपर आ जाएगी। तो आपको शिफ्ट दबा के पेज डाउन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये आप कलर कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के पेज डाउन का ऑप्शन जो है कर लेता हूँ ताकि हमारी पिक्चर जो है जो हमारा जिसको हमने रिमूव किया था बैकग्राउंड वो साफ़ हो जाए। अब देखिए आप पिक्चर साफ़ हो गई है। शिफ्ट प्लस पेज डाउन का ऑप्शन आपको दबाना है अगर आपकी पिक्चर के ऊपर ऐसी परछाई आ रही है तो। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी आप बैकग्राउंड इसको दे सकते हैं, जो भी मर्जी आप चाहें, या किसी और जगह पे आप अपनी पिक्चर सेव करना चाहते हैं, या कोई और फ्लोवर है या कोई पहाड़ियाँ है या कोई भी, मतलब अगर जो भी है। और मैंने आपको बताया था कि कोरल पे जेपीजी फाइल कैसे सेव होती है। तो गाइज इस तरह से आप फ़ोटो को चेंज करके फेसबुक ट्विटर या कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे बैकग्राउंड चेंज करके जो है वो डाल सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। अब प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले यार। Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been